स्थित राहुल अध्ययन केंद्र में आंचलिक उपन्यास के अग्रदूत फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती मनाई गई। राहुल अध्ययन केंद्र में आंचलिक उपन्यास के अग्रदूत फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। उपस्थित लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मौके पर जलेस के प्रांतीय सचिव धनंजय प्रसाद ने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि रेणु जी के पास एक विद्रोही मन था जो अन्याय और जुर्म के खिलाफ खड़ा रहता था। रेणु जी एक समर्पित लेखक थे। उनकी पहली रचना ही उन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचा दी। उनका पहला उपन्यास मैला आंचल 1954 में आई और इसी से तीसरी कसम फिल्म बनी। ऐसे लेखक को याद करना लाजिमी है, पर आज अभिव्यक्ति पर नकेल कसने की साजिश की जा रही है। इसके अलावे सुखदेव निसार, राजेंद्र आदि कई लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।